हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साड़ी को स्टिच कैसे करते हैं विद पेटीकोट। हम यहाँ पे ये साड़ी आपको स्टिच करना बताएंगे और इसमें नीचे की साइड जो हम कपड़ा यूज करेंगे वो सेंटून यूज करेंगे, क्योंकि ये नेट वाली साड़ी है, पल्ला इसका जॉर्जेट का है। आप कॉटन भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो नेट वाली साड़ी होती है उनमें सेंटून या टाफ्टा ही अंदर की साइड लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साड़ी के बारे में जानेंगे और फिर उससे पहले हम जानते हैं नाप। यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही नाप चाहिए होते हैं, जैसे एक लेंथ का, लेंथ है जैसे हमारी 42 तैयार रखनी है, और एक कमर का, कमर है हमारी यहाँ पे 32। तो दो ही नाप चाहिए होते हैं और बाकी का नाप हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होता। और आप जान लेते हैं साड़ी के बारे में, ये किस तरीके की साड़ी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये तो है पल्ला, थोड़ा उरको करते रहो भाई, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले पूरी आपको साड़ी दिखाऊंगा किस तरीके की ये साड़ी है। जो पल्ला होता है 2.25 मीटर का तैयार होता है पल्ला, लेकिन कई लोग 2.30 2.40 का भी पहनते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बड़ा पल्ला चाहिए होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये, जहाँ पे हम बल डालते हैं, जिसको बल बोलते हैं, वो दिया हुआ है यहाँ पे नेट। ये देखिए, नेट का फैब्रिक दिया हुआ है और नीचे की साइड की हुई है कढ़ाई। तो यहाँ पे पूरी साड़ी हमारी कुछ इस तरीके से है, ये जो आप देख रहे हो पूरी साड़ी हमारी यहाँ पे कुछ ऐसे आएगी। तो दोस्तों, साड़ी मैंने आपको यहाँ पे पूरी दिखा दी है, और जो हमने अब दोबारा से ये साड़ी फैलाई है, ये है पल्ले वाली साइड। यहाँ पे देखिए, जॉर्जेट वाला है, तो जॉर्जेट का इसमें पल्ला दिया हुआ है जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पल्ला नापना होता है। तो राजेंद्र, यहाँ पे आप पल्ला नापो कितने इंच का है। हाँ, 1 मीटर का इन्होंने लगा दिया है पहला निशान। एक मीटर का दूसरा, तकरीबन तकरीबन हमारा यही 2.25 मीटर का यहाँ पे पल्ला है, और आगे बच जाता है ये 6 से 7 इंच, है ना जी। अभी हमारे यहाँ तक आ गया 2.25। 2.25, तो 2.25 का पल्ला हमें अलग से छोड़ना होता है। अगर हमारी पूरी साड़ी वैसे भी हो, जैसे पूरी की पूरी 5 मीटर, 2.25 मीटर की होती है तब भी, और अगर आपका जैसे ज्वाइंट होता है साड़ी में, तब भी आपने 2.25 मीटर का पल्ला छोड़ना होता है, अगर आपकी हाइट ठीक है। अगर हाइट कम है तो आप इसको 2.25 की बजाय 2 मीटर भी छोड़ सकते हो। तो ये देखिए, पल्ला हमने यहाँ पे देख लिया है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ज्वाइंट वाली साड़ी आती है उनमें हमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच ये चढ़ानी पड़ती है। प्लेट कैसे चढ़ानी है, ये चढ़ानी है इसके ऊपर, इसके ऊपर आनी चाहिए जो हम सिलाई 6 इंच, नीचे या हाँ नहीं। मतलब ये नीचे की सिलाई अंदर की साइड रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ 6 इंच की डाल लो ना एक बार पूरी प्लेट, ऐसे पूरी प्लेट, ये 6 इंच की जब आएगी तो यहाँ पे आएगी ऐसे। तो ये जो नीचे वाली सिलाई है ना, ये फिर हमारी गंदी नहीं लगेगी अगर हम ऊपर चढ़ा देते हैं। पल्ला भले ही आपका 2 इंच 3 इंच कम हो जाए, लेकिन अगर ज्वाइंट वाली साड़ी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये आपकी सिलाई नीचे वाली, दिखाना एक बार नीचे वाली सिलाई, अगर ये नज़र आ जाती है, ये वाली सिलाई जोड़ जोड़ नज़र आ जाता है, तो आपकी साड़ी की इतनी ग्रेस नहीं रहेगी। अब हम कटिंग करेंगे यहाँ पे लेंथ। तो दोस्तों, साड़ी आपने पूरी देख ली है किस तरीके की है, कहाँ पल्ला है और कहाँ पे नेट है। अब हम इसकी सीखते हैं कटिंग। तो कटिंग में पल्ले वाली साइड से हम इस तरीके से नापते हैं ऐसे, और यहाँ पे लेंथ है हमारी 42 तैयार, और यहाँ पे ये साड़ी आ रही है हमारी पूरी 42। तो ये देखिए, 42 आ रही है तैयार। तो इसमें हमें सिर्फ आधा इंच कम, आधा इंच कम करना है, क्योंकि हमें लगानी है एक्स्ट्रा बेल्ट, आधा से पौना इंच हम यहाँ पे कम करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये 1.25 इंच की पट्टी पूरी उतारनी होती है, ऐसे ही हम यहाँ पे सीधी उतार लेंगे। एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे 42 जैसे लेंथ है, तो 1.25 इंच हम यहाँ पे कम कर लेंगे। इतनी मतलब जितनी आप बेल्ट लगाना चाहते हो उससे हमें उतनी ही पट्टी यहाँ पे तकरीबन उतारनी होती है लेंथ में से।
तो इस तरीके से पल्ला नीचे की साइड आता रहेगा और जिधर हमें प्लेट डालनी है ये हम ऐसे चेक करते हुए नापते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे इंच टेप रखा है और इस तरीके से पूरी लेंथ हमारी यहाँ पे, ये मतलब ये काटनी है हमें 41.25 है ना। हाँ जी 41.25, अगर हम इसकी लेंथ रखेंगे तो ये 42 इंच तैयार रह जाएगी जब हमारी ऊपर एक्स्ट्रा बेल्ट लगेगी। बस पूरी पट्टी इसी तरीके से निकाल लेनी है। तो पल्ला छोड़ने के बाद पूरी पट्टी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और इसको साड़ी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे पूरी साड़ी की एक साइड की लेंथ हमने कटिंग कर ली है और पल्ले से स्टार्ट की थी। पल्ला एक बार और दिखाना राजेंद्र कहाँ पे, क्योंकि वहीं से हमारी अब प्लेटेड लेंगी। तो ये देखिए ये पॉइंट आपको सीखना होगा, जानना होगा। अगर ज्वाइंट वाली आपकी साड़ी होती है तो हमें जो पल्ला है ये पल्ले में से, जो जैसे यहाँ पे जॉर्जेट वाला पल्ला है कढ़ाई वाला, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करनी होती है कटिंग 2 इंच पॉइंट पे। 2 इंच कहाँ लिया हमने अंदर की साइड, ये वाला, ये 2 इंच लिया है, तो यहाँ से हमें कटिंग स्टार्ट करनी होगी और यहीं पे हमें प्लेट डालनी है। अब सीखते हैं प्लेटें कैसे डाली जाती है। हर साड़ी में आपने ध्यान रखना है 12 इंच की प्लेट डलती है एक, मतलब 6 इंच की तैयार रह जाएगी फोल्ड होने के बाद। तो यहाँ पे 12 इंच पे लगा लिया है निशान इस तरीके से, और यहाँ से हम सीधी प्लेट उठाएंगे और उस पॉइंट पे आएंगे जहाँ से हमने ये कटिंग की है। तो जोड़ जो है हमारा नीचे की साइड यहाँ पे दब जाएगा, ये देखिए, और इस तरीके से पूरी प्लेट हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये पूरी प्लेट यहाँ पे सेट हो जाएगी ऐसे। इसके बाद फिर से हम उस पॉइंट से, ये देखिए 12 इंच पे हमने प्लेट, जहाँ पे हम हमारा एंड पॉइंट है उससे हमने फिर दोबारा 12 इंच का निशान लगाया है, और यहाँ से फिर से एक प्लेट हम यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे। ये हमारी प्लेट सेकंड है, मतलब टोटल 2 प्लेट यहाँ पे इस तरीके से हमारी आ जाएगी। 2 प्लेट डलने के बाद हमारी यहाँ पे तीसरी भी इसी तरीके से आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सेट करेंगे, ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेट वाली जो साड़ी होती है उनमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगता है इस तरीके से। ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी चौथी प्लेट। देखिए जो 5.25-5.5 मीटर की साड़ी होती हैं उनमें हमें 6 प्लेट डालनी होती है, लेकिन कई साड़ी क्या होता है कि 5 मीटर की या 4.25 की रह जाती है, तो उनमें आपको 5 प्लेट यहाँ पे डालनी होगी। ये पांचवी है जी। अच्छा, इसके बाद लास्ट प्लेट है ना। तो ये होगी हमारी यहाँ पे लास्ट प्लेट जो कि छठी होगी। और पूरी साड़ी की 6 प्लेट हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी 6 प्लेट यहाँ पे हो चुकी हैं। दिखाना गिन के एक बार, एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है 6 प्लेट हो चुकी हैं। तो अब हम इनको पिनअप कर देंगे।
देखिए इस तरीके से एक उधर लगा दी है पिन और एक इस साइड में लगा देंगे, एक आधी बीच में लगा देते हैं तो ये फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों प्लेट डलने के बाद हमने पिनअप कर लिए है, अब लगानी है हमें यहाँ पे सिलाई, स्टिच करनी है 6 की 6 प्लेट। जहाँ पे निशान आप देख रहे हो वहाँ से हमें स्टार्ट करनी है सिलाई और यहाँ तक हमें तैयार सिलाई लगानी होगी। तो इन पे हम सिलाई फिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा ली है इस तरीके से ये सिलाई, स्टिच कर लिए हैं। तो 6 की 6 प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी और ये पूरी फिक्स हो जाएंगी प्लेटें। इसके बाद अब लगाना है हमें यहाँ पे अंदर की साइड कपड़ा पेटीकोट वाला। तो ये कितना कपड़ा है, ये है हमारे पास 2 मीटर, जो अंदर की साइड कपड़ा लगाते हैं वो 2 मीटर होना चाहिए। तो ये है हमारे पास ये पेटीकोट वाला कपड़ा 2 मीटर होगा। जो इसको कैसे लगाना होता है ये हम आपको सीधी साइड में रख के दिखा रहे हैं, लेकिन ये आपने नीचे की साइड लगाना है इस तरीके से। ऊपर जो कन्नी आप देख रहे हो इस कपड़े की, ये हमारी बिल्कुल सीधी इसके साथ स्टिच हो जाएगी प्लेटों से, और इस साइड वाला जो भाग होता है पूरा इसमें स्टिच हो जाएगा। और आगे की साइड ये कैसे करना होता है, ये इसको ऐसे मोड़ना है, इसको आगे की साइड यहाँ पे फोल्ड करना होता है। तो सबसे पहले तो फोल्ड करेंगे और फिर इसको करेंगे स्टिच। तो यहाँ पे जो आड्डे वाली साइड है अब कर रहे हैं हम यहाँ पे फोल्ड इस तरीके से। मतलब 2 मीटर कपड़ा लेना है आपने और एक साइड आड्डे वाली सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों कपड़ा फोल्ड करने के बाद इसके बाद आ गए हैं हम यहाँ पे साड़ी लेके इस पॉइंट पे, और ये उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, और यहाँ पे लगाना है हमें पेटीकोट वाला कपड़ा। तो जो हमने प्लेटो वाला मार्जिन लिया था उसी मार्जिन के साथ में हम लगाते हैं सिलाई, और यहाँ पे ये पेटीकोट वाला कपड़ा इस तरीके से रखते हैं ऐसे, मतलब इस पॉइंट पर 1/2 इंच आगे की साइड चढ़ाते हुए ऐसे। यहाँ पे पक्का करके चलेंगे सिलाई को। और ये पूरा 2 मीटर जो कपड़ा होता है ये पूरा स्टिच हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा होगा बाद में हम काट देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नेट, जहाँ तक नेट आएगी हमारी, जहाँ तक साड़ी आएगी वहाँ तक हमने ये स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमारा कितना कपड़ा बचा है, ये देखना तकरीबन ये हमारा 17-18 इंच के आसपास कपड़ा बचा है। कहने का मतलब है 1.25 मीटर हमारा यहाँ पे साड़ी में पेटीकोट अटैच हो चुका है। अब इसको हम फुला के कटिंग करेंगे बिल्कुल सीधा। तो ये देखिए दोस्तों हमने साड़ी वाला इस साइड से पार्ट बिछा लिया है, और ये नीचे आप पेटीकोट वाला कपड़ा देख रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा है ये हमें साड़ी के साथ साथ कटिंग करना होता है। इस तरीके से पूरा हमें यहाँ पे काटना है। तो जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा बचा है इसी में से हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे ऊपर की साइड की, क्योंकि नेट वाला कपड़ा जो होता है वो इतना अच्छा सेट नहीं बैठता, तो हम अस्तर वाला कपड़ा ही बेल्ट में यूज करेंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है, अब हमें लगानी है ऊपर की साइड बेल्ट, इसके बाद हमारा बेल्ट का काम रह जाता है। तो दोस्तों बेल्ट लगाने के लिए हमने यहाँ पे 4.5 इंच की ये वाली पट्टी कटिंग कर ली है, जिसमें से हमें ये बेल्ट लगानी है कपड़े में से अस्तर वाली। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये 12 इंच की पट्टी ली है बुकरम वाली, फिर एक ली है हमने लास्टिक यहाँ पर 8 इंच की, ये 8 इंच की होगी, और फिर उसके बाद हमारी जितनी भी लेंथ बचती है आगे साड़ी में से पूरी साड़ी की हमने इस तरीके से पट्टी ले ली है बेल्ट वाली।
तो यहाँ पे इसका तरीका क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमने पहली पट्टी ये 12 इंच की ली है, 12 इंच की, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जितना हमारा वेस्ट का नाप होता है, जैसे हमारा 32 है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 इंच आ जाएगा। अगर 32 को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 8 इंच हो जाएगा, प्लस हमें 4 इंच करना है, तो 8 और 4 12, तो 12 इंच की हमें सबसे पहली पट्टी लगानी होगी। जितना भी आपका कमर का नाप हो, जैसे आपका 36 नाप है तो आपने उसका चौथा भाग करना है, तो चौथा भाग हो जाएगा 9 इंच और उसमें 4 इंच ऐड करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये हो जाता है हमारा पहली पट्टी 12 इंच की, 12 इंच की ये वाली। तो इसके बाद हमें लास्टिक देखनी होती है। लास्टिक में आपने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना होता, क्योंकि लास्टिक स्ट्रेचेबल होती है, तो इसलिए आपने यहाँ पे जितने भी लास्टिक हमें, जितनी हमारी कमर होती है लास्टिक के लिए, जैसे कमर है हमारी यहाँ पे 32, तो उसको 4 से डिवाइड करना है और सीधे 8 इंच हम यहाँ पे लास्टिक लेंगे। नाप के दिखाना, तो ये हमारी यहाँ पे 8 इंच की आएगी लास्टिक, और ये आगे की बेल्ट आएगी हमारी यहाँ पे 12 इंच की, 12 इंच की। तो इस तरीके से आपने लास्टिक और बेल्ट आगे की लेनी होती है मेन। उसके बाद जितनी भी आपकी साड़ी की लेंथ होती है गोलाई वाली, तो पूरी गोलाई में हमें ये बेल्ट लगानी होती है एक्स्ट्रा में। तो अब इसको हम सबसे पहले बेल्ट को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले लास्टिक और आगे का 12 इंच वाला बेल्ट वाला पीस ये आपस में जोड़ लेंगे। इसके बाद जो दूसरी साइड की फुल बेल्ट होती है ये ज्वाइंट करेंगे लास्टिक में, मतलब दोनों साइड हमारे बेल्ट रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक साइड फुल बेल्ट रह जाएगी और एक साइड सिर्फ 12 इंच वाला ये पल्ला रहेगा बेल्ट का। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पे जड़ना हमने स्टार्ट कर देना है यहाँ पे इस पॉइंट से, ऐसे। ये भाग हमारा फुल बेल्ट वाला होगा और दूसरी साइड का भाग जो होगा हमारा वो 12 इंच पट्टी वाला होगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं लास्टिक पर। लास्टिक हमें खींच के यहाँ पे डालनी होगी, मतलब जितनी सलवटें पड़ती हैं उतनी यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद हमारी 12 इंच वाली पट्टी आ जाएगी। अब हम यहाँ पे एक साइड से इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। फोल्ड करते हुए हम आ चुके हैं लास्टिक पे। लास्टिक पे आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है खींच के। आपकी इच्छा होती है लास्टिक डालनी है नहीं डालनी, अगर नहीं डालना चाहते तो लास्टिक नहीं भी डालो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाना होता है। अगर साइज कम हो या ज़्यादा हो जाए कभी तो ये ठीक रहती है। इसके बाद आगे की साइड ये वाली जो होती है ये हम तैयार कर लेंगे। और दूसरी साइड से भी यहाँ पे फोल्ड करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमारी ये बेल्ट तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी प्यारी सी बेल्ट ऊपर की साइड के लिए हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। जो लास्टिक आ जाएगी जहाँ पे भी, हम वहाँ पे खींच के ही सिलाई लगानी होगी, ये ध्यान रखें। और ये देखिए कितनी प्यारी सी गैदर यहाँ पे हमारी बन जाएगी।
देखिए इलास्टिक की पूरी फिनिशिंग है यहाँ पे। तकरीबन 1 से 1.5 इंच पहले ही हम सिलाई को यहाँ पे रोक लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। और अब हमें बेल्ट का जो मार्जिन होता है, जैसे यहाँ पे ये मार्जिन देख रहे हो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको काट लेना है। सिर्फ 1/2 इंच का ही हमें यहाँ पे मार्जिन रखना होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है ये सारा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ हमें इतना मार्जिन रखना होता है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, बाकी का एक्स्ट्रा काट लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सभी जगह से यहाँ पे मार्जिन अपना कटिंग कर लिया है। और लास्टिक वाले पॉइंट पे भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से खींचना हल्का सा, यहाँ पे इतना ही मार्जिन रहना चाहिए। अब हम बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए दोस्तों हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ से हमने अस्तर जोड़ने की शुरुआत की थी। और यहाँ पे ये बेल्ट वाला आगे वाला जो पार्ट होता है 12 इंच वाला, 12 इंच का, ये रखेंगे सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे ऐसे। और अस्तर के बिल्कुल साथ मिलाते हुए उसी सिलाई के ऊपर सिलाई हमारी आनी चाहिए जो कि अस्तर जोड़ते हुए हमने लगाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे अब सिलाई लगेगी। मार्जिन वही 1/2 इंच का लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये बेल्ट जो है ज्वाइंट कर ली है। और यहाँ पे ये आएगी हमारी प्लेटें, और ये जो अब पलट के हमारी यहाँ पे ऐसे फिक्स आ जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे पूरी फिक्स आ जाएगी और यहाँ पे ये ऐसी पूरी सेट आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये बेल्ट लगानी होती है। एक बार में ही आपको यहाँ पर पूरा आइडिया हो जाएगा, धीरे धीरे समझ जाओगे एक बार में। इस इतने आसान तरीके से हम यहाँ पर आपको ये साड़ी बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये बिल्कुल प्लेटों के सामने हमारी बेल्ट यहाँ पे आएगी इस तरीके से। और अब लगाएंगे यहाँ पे इस साइड की सिलाई ये वाली, तो मार्जिन हमारा अंदर आता चला जाएगा और यहाँ पे ये सिलाई लगती चली जाएगी ऐसे। तो जो 6 इंच की प्लेट है ये फिक्स हो चुकी है अंदर की साइड। प्लास्टिक के पे हमें यहाँ पे खींच के सिलाई लगानी होगी, लूज नहीं रखना है ऐसे, तभी हमारी यहाँ पे अच्छी प्लास्टिक डलेगी। ये देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे प्लास्टिक आ जाएगी। और अब हम पूरी पट्टी पे ऊपर की साइड सिलाई लगा लेते हैं, नीचे का जो अंदर मार्जिन डालते हुए जो साड़ी का मार्जिन है दबाव वाला है ये हम यहाँ पे डालते रहेंगे और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे।
बेल्ट हमने कर ली है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है प्लेटों में फिक्स, तकरीबन 3 इंच तक ये सिलाई लगाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी सभी प्लेटें जो हैं फिक्स हो जाएंगी, यहाँ पे आगे पीछे नहीं रहेंगी और सेट हो जाएंगी। इसमें नीचे की साइड हमारा पेटीकोट वाला फैब्रिक भी ये दब जाता है, देखिए यहाँ पे। तो ये हो गई है फिक्स। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर की साइड हमने लगा ली है यहाँ पे ये बेल्ट, और यहाँ पे हुक कहाँ पे लगता है, हुक लगेगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से। और इसकी हाई कहाँ पे बनानी है हमें कपड़े वाली, और कितने इंच की बनानी होती है, ये हमारी 32 इंच कमर है। जितनी हमारी कमर होती है उससे हमें 3 इंच कम करके यहाँ पे एक निशान लगा लेना है 29 इंच। जितनी हमारी कमर होती है उससे 3 इंच कम करके इस पॉइंट से आगे से और यहाँ पे निशान लगा लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हमें लगानी है हाई पट्टी। तो हाई हमें यहाँ पे किस तरीके से बनानी होती है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर वैसे हम लगा के आपको दिखाएंगे। ऐसे यहाँ पे चुन्नट डालनी है इस तरीके से, और फिर इसमें आ जाएगा हुक हमारा, ऐसे लगेगा ये हुक इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पट्टी अटैच कर लेते हैं ये हुक हाई वाली। तो यहाँ पे हाई वाली पट्टी लगाने के बाद हमें दो लेनी होती हैं इस तरीके से पट्टियाँ, नाड़े वाली। ये कहाँ कहाँ लगानी है, एक लगानी है हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे, और एक लगानी है कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे, और इधर से ये पूरा पीस फोल्ड हो जाएगा इकट्ठे अस्तर के साथ। और फिर जो जितना हमारा नीचे की साइड ये कपड़ा बचता है, अगर एक्स्ट्रा है तो ज़्यादा फोल्ड कर लें पेटीकोट वाला कपड़ा, अगर नीचे हाँ नहीं तो इतना चौड़ा आप यहाँ पे कर लें तो ठीक रहेगा। अगर आप इसमें बुकरम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये दो काम रह जाते हैं हमारे, एक हाई बनानी, एक ये साइड से फोल्ड करना, और एक नीचे से फोल्ड करना। तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरी साड़ी बनने के बाद हमारी कैसे तैयार होने में लगती है। तो ये जो निशान है दोस्तों हमारा 29 इंच वाला था जो हमने कमर का लगाया है, जितनी कमर होती है उससे 3 इंच कम करके यहाँ पे लगानी होती है। और एक ये थोड़ा चौड़े टाइप हमने 1.5 इंच का बनाया हुआ है नाड़ा। तो यहाँ पे ये हाई बनाएंगे, जो दूसरी हाई होती हैं जो लोहे वाली आती है मार्केट में वो चुभती हैं, तो इसलिए ये वाली जो हाई है ये बहुत ही सही रहती है बेल्ट के लिए। और यहाँ पे सिर्फ हमें एक छोटी छोटी प्लेटें डालनी हैं और ये हमारी तैयार हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये पट्टी लग चुकी है हाई की, और यहाँ पे इस तरीके से आएंगे ये हुक जब ये फिट हो जाएगा, दिखाना लगा के ये तरीके से ऐसे आएगा यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा, और ये दूसरी साइड लगेगा हुक यहाँ पे ऐसे। तो हाई की पट्टी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये हाई वाली पट्टी इस तरीके से लगा ली है, और इसमें जो बीच में गैप रहता है यही हमारा हुक को रोकता है। तो ये पूरा फिक्स हो गया है। अब हमें इस साइड में देखिए, इस साइड से ये फोल्ड करना होता है, और नीचे की साइड हमने लगानी है यहाँ पे बुकरम। तो यहाँ से इस पॉइंट से चलेंगे नीचे की साइड, और यहाँ पे लगाएंगे बुकरम वाली पट्टी। पेटीकोट का नीचे का हिस्सा आप जानते होंगे सभी, तो वहाँ पे हमें चाहे ऐसे फोल्ड कर ले चाहे इस तरीके से बुकरम वाली पट्टी लगा ले। तो यहाँ पे हम पूरी पट्टी ये फिक्स कर लेंगे, जैसे नॉर्मल सलवार की मोरी में लगाई जाती है वैसे ही हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। और उसके बाद ये वाली पट्टी यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाएगी,
ऐसे फोल्ड होने के बाद ये फिक्स हो जाएगी। ये वाली साइड वो आ जाएगी ना जहाँ पे हमने फोल्ड किया था, है ना, शुरुआत में। ठीक, शुरुआत का जो अस्तर हमने फोल्ड किया था उस पॉइंट पे ही हम इसको बेल्ट को यहाँ पे पूरा करेंगे, नीचे की जो हमने ये बुकरम लगाई है। और दूसरी साइड अब हमें कैसे कंप्लीट करनी है यहाँ पे ये ध्यान देना है। पहले इस पर लगा लेते हैं डबल सिलाई ताकि ये बुकरम जो है सुकड़े ना। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जो साड़ी वाला दूसरा सिरा होता है, यहाँ पे हमारा अस्तर भी दब जाएगा और मेन फैब्रिक भी यहाँ पे दब जाएगा, मतलब पेटीकोट वगैरह सारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा एक साइड से। ये देखिए यहाँ पे ये, और यहाँ पे लगानी होती है हमें एक डोरी इस तरीके से। और यहाँ पे ये नेट वाला फैब्रिक और अस्तर दोनों इकट्ठे फोल्ड हो जाएंगे, एक साइड आपका अस्तर ओपन रहेगा, एक साइड में इकट्ठा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। फोल्ड करते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं नेट और अस्तर को। तो दोस्तों जहाँ पे हमने यहाँ पे ये वाली पट्टी लगाई है, ये प्लेटें हैं इस साइड की, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये प्लेटें आएंगी, ये देखिए प्लेटें आएंगी। और प्लेटों के बिल्कुल नीचे की साइड हमें यहाँ पे लगाना है हुक, तो ऐसे रखते हैं और हुक को अटैच कर देते हैं। और ये हाथ वाला हुक लगाना है, ठोकने वाला नहीं लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने हुक लगाया है, ये वाला हमारा हुक वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, और इसी के साथ में हमारी यहाँ पे ये डोरी होगी जो नाडा। तो एक साइड में हमारा पल्ला आ जाएगा, पल्ला दिखाना, ये पूरा हमारा पल्ला रहेगा। और दूसरी साइड में ये जो हमने ऊपर बेल्ट लगाई है इस साइड में, ये हमारा आगे की साइड चलते रहेंगे तो साड़ी का एंड पॉइंट आएगा, और एंड पॉइंट में भी हमने यहाँ पर ये डोरी लगाई हुई है। और जैसे पूरा का पूरा पीस उठाना ऐसे, ये देखिए पूरा पीस, और नीचे की साइड आएगी हमारे यहाँ पे इस तरीके से जो हमने बेल्ट लगाई है। और ये वाला पोर्शन यहाँ पे ओपन रखना होता है, ये आपको ध्यान देना है, ये हमें ओपन रखना होता है। और यहाँ पे सीधी साइड में बेल्ट वो दिखाना, प्लेटें ऐसी पलट देना ना, ऐसी पलट, हाँ बस ये रहेगी। अब हमें पलट के यहाँ पर इस तरीके से आएगी प्लेटें, और एक साइड में आएगी यहाँ पर हमारा ये पल्लू,
और दूसरी साइड मैंने आपको दिखाई दी है, पूरा का पूरा पीस हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों साड़ी हो गई है तैयार, और फिक्स साड़ी इसी को बोलते हैं। 2 मिनट में आप इसको बांध सकते हो, जैसे सिंपल पैंट बांधते हैं वैसे ही यहाँ पे हुकाई डाल के बन जाती है। तो दोस्तों साड़ी तैयार करने के बाद यहाँ पे मेन चीज़ रह जाती है कि आपको ये बांधनी भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए कैसे बंधेगी, तो बताना राजेंद्र कैसे बंधेगी। देखिए नाभि के सेंटर पॉइंट में रखते हैं यहाँ पे ये प्लेटें ऐसे, और ये देखिए। तो दूसरी साइड से हम यहाँ पे घुमाते हुए लाते हैं इस तरीके से यहाँ पे, और ये ऐसे आ जाएगी ऐसे। तो ये घूम चुकी है यहाँ पे हमारी, और यहाँ पे अब हमें ये बांधनी है, मतलब ये जो आपको मैं बताऊँ ये हमारी फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। ये हुक हमने यहाँ पे हाई में ये लगा लिया है इस तरीके से, ये देखिए। और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि 8 इंच का इसमें हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है, 8 इंच तक आप इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद एक डोरी हमारी बैक साइड से यहाँ पे घूम के आएगी, जो कि हमने बिल्कुल कोने पे लगाई थी, और एक साइड वाली जो डोरी होगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगी ऐसे। ये ग्रिप बन जाती है, मतलब साड़ी हैवी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, इस तरीके से हम बांध लेंगे और इस डोरी को डाल देंगे अंदर बेल्ट में ऐसे। और अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, देखिए ये घूम के आ रही है। तो पूरी साड़ी आपको मैं यहाँ पे कितनी प्यारी तरीके से दिखा रहा हूँ, आसान तरीके से, और यहाँ पे कोई झोल वगैरह नहीं आएगी। नेट की साड़ी सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये आप सिर्फ 2 मिनट में इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों साड़ी सेट करने के बाद इस तरीके से आप यहाँ पे पल्ला डाल लें, ये देखिए ये पल्ला पूरा आपका इस तरीके से आ जाएगा ऐसे, और पूरी साड़ी की गेटअप आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये देखिए 2 मिनट में हमने यहाँ पे साड़ी को इसको बांध लिया है, और पूरी साड़ी मैं ऊपर से नीचे तक आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आने वाली है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये साड़ी आपको तैयार करके दिखाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।